अरे दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, ये जो बिजली का मशीन देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है। करीबन 2-3 मिनट चलता है मशीन और बंद हो जाता है। फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट हो जाएगा, फिर 2-3 मिनट चलेगा और बंद हो जाएगा। तो क्या फॉल्ट है और क्या प्रॉब्लम है, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। इसका फॉल्ट एक ही हो सकता है, क्योंकि तेल का तेल प्रॉपर से इसमें जा रहा है। खुद एक बार दिखाते हैं कार्बेट वगैरह खोल के तेल किस तरह आ रहा है। तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को मिस ना करें दोस्तों। चलिए सबसे पहले हमको तेल स्विच को खोल लेना है। जैसे कि हम तेल स्विच खोल लिए हैं और हमको यहाँ से देख लेना है किस तरह आ रहा है पेट्रोल। देखिए, हम रन तरफ कर दिए, इसमें पेट्रोल डला हुआ है टैंकी में। देखिए पेट्रोल आते आते रुक जा रहा है। देखिए पहले आ रहा था, अब रुक गया। देख सकते हो पेट्रोल रुक गया, एकदम ही रुक गया, नहीं आ रहा है। हम नीचे कर रहे, थोड़ा सा आया, जितना पर रहना चाहिए इतना पर में नहीं आ रहा है, तो पेट्रोल आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसका जो टंकी का ढक्कन है वो एक बार खोल के देखते हैं। चलिए यहाँ पर जैसे टंकी का ढक्कन है, खोलते हैं। जैसे कि हम टंकी का ढक्कन खोले हैं, तो देखिए किस तरह आ रहा है। यहाँ पर मैं कर दिया तो अभी पेट्रोल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर खोल दिया टंकी का ढक्कन। इसका फॉल्ट यही है दोस्तों, क्योंकि टंकी से एयर नहीं ले पा रहा है, इसी कारण से पेट्रोल नहीं जा रहा है, इसी कारण से मशीन बार बार बंद हो जा रहा है। 2 मिनट चल रहा है, बंद हो जा रहा है, 2 मिनट चल रहा है, बंद हो जा रहा है। ये रहा मेरा टंकी का ढक्कन, और एयर नहीं ले पा रहा है, इसी कारण से पेट्रोल नहीं जा रहा है, इसी कारण से बंद हो रहा है, चलते चलते अचानक बंद। तो चलिए इस रबर को खोलते हैं। देखिए दोस्तों, आपको कैमरा में दिख रहा होगा, यहाँ पर छोटा सा छेदा है, वो बिल्कुल ही जाम हो चुका है। चलिए छेदा को अच्छा से क्लीन कर लेते हैं, सफा कर लेते हैं तार की मदद से। ये जो छेदा देख रहे हैं वो बिल्कुल हमको क्लीन कर लेना है अच्छा से, और फूक मार के हमको देख लेना है। तो हम क्लीन अच्छा से कर लिए और रबड़ का लगा देते हैं। प्रॉपर मेरा पेट्रोल देखिए, ऊपर ऊपर हम उठा दिए तो भी आ रहा है, मेरा कंट्री जो है फुल हो रहा है। एक 2 मिनट चलता है, और हमको क्या करना है, एक बार कार्बेट भी सफा कर देना है, क्योंकि अच्छा चले मशीन। चलिए दोस्तों, पेट्रोल को खोलते हैं आप, वो देखते हैं कार्बेटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं मशीन। ठीक, देखिए आ गया, तो मशीन करते हैं स्टार्ट। ये 1-2 मिनट चलता था मशीन और बंद हो जाता था। तो देखिए टंकी में दिखाते कितना चल रहा है, कितना नहीं।